हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजत श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल्डनेस, यानी कि जो बाल झड़ जाता है पूरी तरह से, सर के बाल पूरे उतर जाते हैं, यानी यूँ कहें कि आदमी टकला हो जाता है, यानी गंजेपन के लिए होम्योपैथ की सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या हो सकती है। तो हम आज इसके कारण को भी जानेंगे कि गंजेपन आपको क्यों हो रहे हैं, आपको क्या ऐसा है जो प्रभावित कर रहा है, और वो गंजेपन आखिर किस रोग की तरफ इशारा करता है। इन सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल जो हेयर फॉल्स होती हैं उसमें आप कौन सी होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर आपको हेयर फॉल्स नॉर्मल हो रही है, हर दिन 100-150 बाल गिर रहे हैं, तो आपका पहला काम यही है कि आप ले सकते हैं चाइना क्यू। नॉर्मल हेयर फॉल की सबसे बेस्ट मेडिसिन है चाइना क्यू को। आप 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। आपको अगर कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, किसी कोई वजह नहीं समझ में आ रही है हेयर फॉल की, तो आपको इस मेडिसिन से रुक जाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर गंजेपन को टोटली रूप से क्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। टिपिकल्स हैं, आसान नहीं होती है कि होम्योपैथिक दवा को आप इतनी आसानी से जल्दी से ले लें, तो ये और ये उतना ही आसान है जो सिम्टम्स को समझते हैं। इसीलिए आपको पहले मैं सिम्टम्स के साथ मेडिसिन बताऊंगा ताकि आप मेडिसिन सिलेक्ट करने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई भी रोग एक कारण लेके आती है। पहला जो बाल्डनेस होता है, एंडोजेनिक बाल्डनेस जिसको बोलते हैं, वो होती है दोनों साइड से, आगे से साइड से बाल्डनेस हो रही है। इसका कारण जेनेटिक होता है और ये कंप्लीट रूप से नहीं क्योर किया जा सकता है। दूसरा कारण होता है फैमिली हिस्ट्री। तीसरा कारण होता है सेक्स हार्मोन, यानी एंड्रोजेंस हार्मोन्स की कमी के वजह से, या इरेगुलेटरिंग एंड्रोजन हार्मोन के वजह से हेयर ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि भाई एंड्रोजन को कैसे हम पहचानेंगे। जब आप ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं बालों के लिए, तो फ्रेंड्स आप पहले पैसा खर्चा नहीं करें, आप पहले ये जानें कि आपको ये तकलीफ क्यों है, ये तकलीफ किस लिए होता है। तो मेन उसके पीछे है पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन, इसकी जांच होती है। इसको जांच को आप पहले करा लीजिए, अगर इसमें फॉल्ट आता है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करिए। दूसरी कंडीशन होती है थायराइड, जब हो जाता है पुरुषों में या महिलाओं में भी, तो भी बाल्डनेस की समस्या आने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं तो आपको थायरॉक्सिनम जो एलोपैथिक दवा आती है वो ले सकते हैं थायराइड को कम करने के लिए। उसके बाद थायराइडिनम 3X आती है हम लोगों की होम्योपैथ में, आप जब इसको लेंगे तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम कर देगा। ये सिर्फ ना बाल्डनेस कम करेगा बल्कि ओवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी को कम करेगा, यानी शरीर जो फूलने लगती है उसको भी कम करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंसरस पेशेंट हैं जिनको बाल्डनेस की शिकायत हो जाती है, यानी कैंसर के बाद आपके बाल बहुत झड़ गए, थेरेपी ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी हो गया, क्यूमोथेरेपी हो गया और बाल बहुत सारा झड़ गए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेडियम ब्रोम करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, रेडियम ब्रोम आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकें और 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज़ सुबह खाली पेट खाएं। जब रेडिएशन हो या थेरेपी हो तो आप इसको बंद कर दीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं जनरल मेडिसिन की, कि आपको कोई भी कारण हो उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लगभग लगभग सभी रोगों में काम कर जाती है, ताकि एक जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन बाल्डनेस के लिए आ जाए, यानी गंजेपन के लिए आ जाए।
तो नॉर्मल गंजेपन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में आप जैबोरंडी यूज कर सकते हैं। जैबोरंडी क्यू को आप 15 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए, और जैबोरंडी क्यू को आप बाहर यानी एक्सटर्नल सर में लगा भी सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं कि आपको एक्सटर्नल ऑयल भी मिल जाता है, यानी एक्सटर्नल मेडिसिन भी मिल जाती हैं और इंटरनल मेडिसिन भी मिल जाती हैं। तो आप जैबोरंडी क्यू को ले आए कोई भी जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन के शॉप से, होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से आप जैबोरंडी क्यू रेक्वेश का या स्वाब इंडिया का ले लीजिए और उसको खाइए। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने गंजेपन होने के कारणों को भी ध्यान से देखना। इसके साथ साथ आप डाइट भी मेंटेन करें, यानी नॉन वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिए, शाकाहार रहें यानी भेज रहें, भेज रहने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा कंडीशंस है, पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा पीजिए। अगर आपके यहाँ पानी में आर्सेनिक है या आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी आप गंजेपन के शिकार हो जाते हैं, बाल 1-1.5 साल में ही पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा करने के कंडीशंस में आप पानी को, फिल्टर वाटर जो आता है उससे बाल को धोएं, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। अब अगर आगे बात की जाए कि और क्या कारण होते हैं जिनके वजह से बाल झड़ने लगता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैबोरंडी करके और कितनी तरह की दवाएं हैं और उसको आप कब कब ले सकते हैं और कितने प्रकार के तेल हैं, उसकी क्या खासियत है। तो उसके पहले मैं आपको कारण बता दूं, क्योंकि आप अगर कारण परहेज करते हैं तो परहेज सबसे बड़ी उपाय है। आप अगर एक्चुअली में कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको परहेज करना होता है, और परहेज तभी करेंगे भाई अगर आपको फीवर है तो आप नहाएंगे नहीं, अगर आपको टाइफाइड है तो आप नहाएंगे नहीं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपको टाइफाइड है और आप ठंडे पानी से नहा लेंगे, तो जाहिर सी बात है टाइफाइड तो ठीक होने से रहा आपका। सेम केसेस है अगर आपको गंजेपन के शिकार हो रहे हैं और उसके कारण अगर एनेमिया है ब्लड की कमी की वजह से, तो भी आपको गंजेपन तो होना है। तो पहला उस बीमारी को दूर करने का कंडीशन यही है कि हम ऐसे वो सारे पौष्टिक चीज़ें लें जिसमें आयरन हो। तीसरा कंडीशन होता है स्ट्रेसफुल लाइफ। फ्रेंड्स, आज के समय में बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। इस स्ट्रेसफुल लाइफ के वजह से, तनाव ज़्यादा होने के वजह से नींद कम आती है। नींद कम आने से शरीर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्टर्ब होने लगता है, जिसके एक इशारा होता है हमारे बॉडीज का कि भाई हमारे बॉडीज में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्टर्ब है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे दुनिया में आधी आबादी से भी ज़्यादा, अगर आप 80% कहें तो ही 20% में वो युवा बच्चे छूट जाते हैं जो अभी ग्रो नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी सब हेयर फॉल से पीड़ित हैं। भाई पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, 80% लोगों से आप बात करेंगे तो यही कहेंगे कि हाँ मेरा भी बाल झड़ता है। ये है तो बहुत कम लोग तनाव में हैं, बहुत कम, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि हेयर लॉस एक अपने आप में सिम्टम्स होता है कि भाई आपके बॉडीज में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो दूसरा काम यही करना है आपको कि नॉर्मल सुबह ज़्यादा उठिए, लेट नाइट पार्टी बंद कर दीजिए, सलाद की मात्रा खाने में बढ़ा दीजिए, बहुत सारे केमिकल्स आइटम्स जितने भी शैम्पू में आते हैं उनको आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। धीरे धीरे आप गंजेपन के जो शिकार हैं काफ़ी हद तक कवर कर जाएंगे। अगर आप 28 साल के पहले का एज है आपका तो आप गंजेपन से भी बाल आपके आ सकते हैं, चाहे वो पूरे बाल झड़ जाएं कोई फैक्टर नहीं पड़ता, अगर आप 28 साल से कम उम्र के हैं तो आपके बाल आएंगे, ये कन्फर्म। वुमेन्स में, फीमेल्स में एज फैक्टर नहीं होती है, लगभग 40-45-50 साल तक भी बाल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लें गंजेपन के लिए,
आप अगर जनरल चीज़ें हैं तो जबरंडी क्यू इस्तेमाल करिए, गंजापन से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगा, धीरे धीरे आप प्रॉब्लम से निजात पाते चले जाएंगे। या अगर कुछ कारण समझ में आता है, एनेमिया हो, केमिकल्स फैक्टर्स हो, जैसे आपने हेयर डाई कर लिया और उसके बाद बाल झड़ना शुरू हो गया, तो हेयर डाई करने के बाद अगर बाल झड़ने लगता है तो उसमें आर्सेनिक 3x पोटेंसी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। आर्सेनिक ले लीजिए, 3x पोटेंसी में किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप में मिलता है, और 5 ड्रॉप्स आप सिर्फ 10 दिन लेंगे, आपको हेयर डाई के वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक रिमूव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी हद तक जो जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताऊं। अगर कुछ इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स अ लॉट।